रादौर के गांव पालेवाला के पास कार की टक्कर से अवर्धन नहर में डूबे गांव राजेड़ी के चाचा भतीजे का 3 दिन भी बीत जाने के बाद कोई सुराग नहीं लगा। परिजनों का आरोप है कि सिंचाई विभाग की ओर से अवर्धन नहर का पानी कम नहीं किया जा रहा है, जिस कारण उन्हें तलाशी कार्य में दिक्कत आ रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि नहर का पानी पूरी तरह से बंद किया जाए, पर ना तो प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा। ये कहते हैं हमारे हाथ में पानी बंद करवाना नहीं है। अच्छा, ठीक है जी। और हरियाणा सरकार इस गांव की तरफ एक दाना भी नहीं देख रही। 2 दिन हो गए लड़के नहर में पड़े हुए हैं, अभी तक सरकार ने पानी के बारे में ये नहीं सोचा, इसको बंद करवा के उनकी डेड बॉडी बाहर निकाली जाए। उनकी तलाश कर रही है? तलाश सिर्फ को तक हो रहा है जी, वो एक चक्कर मारते हैं दूसरा चक्कर मारते नहीं। ये प्रशासन का यहाँ पर काम चल रहा। आपकी क्या मांग है, क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं जी नहर बंद हो जाए और हमारे दोनों डेड बॉडी सोनू और वीर सिंह की लेकर जाए। वहीं आज मुख्य संसदीय सचिव श्याम सिंह राणा मौके पर पहुंचे और प्रशासन से हालातों का जायजा लिया और साथ ही यह भी आश्वासन दिया कि क्षेत्र में इस प्रकार की समस्याओं पर तुरंत एक्शन के लिए तहसील स्तर पर गोताखोर की नियुक्ति व सिलेंडर की किट का प्रबंध करवाया जाएगा। सड़क पे अचानक एक्सीडेंट हुआ और नहर पे जो ग्रिल लग रही ना टूटी होती वो बच्चे शायद नहर में ना जाते, ये तो कह सकते हैं हम। भाई मेंटेनेंस की कमी है, जो पुल हैं पुलों की मरम्मत होनी चाहिए, पुलों की जो साइड है वो पूरी होनी चाहिए। अचानक कोई घटना ना घटे ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए तो हम मानते हैं भाई ये इस चीज़ की कमी रही। और कल मैंने नारंग जी हैं जो ऐसी हैं करनाला से, उनसे अनुरोध किया था पानी बंद करने के लिए। यहाँ से मैं चंडीगढ़ तक सूचना मिली थी, मैंने पानी बंद कराने का प्रयास किया, आज वो भी गया। दोबारा फिर आज ये हमारे गांव के जितने गरीब साथी हैं इनकी एक मांग है पानी और कम हो, मैंने भी टेलीफोन किया। आजाद टीवी के लिए रादौर से कुलदीप सैनी की रिपोर्ट।